You've got something to show. Bring it here. You've got something to show. Bring it here. You've got something to show. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय करूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोरा अटका ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। सुपर हिट्स BSSS रिदम द इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो में स्वागत है आपके लिसनर्स का। सुन रहे हैं आप मुझे यानी आरजे दिशु को, और शो चल रहा है वॉइस इट विद आरजे दिशु। सो विद अ न्यू डे, विद अ न्यू होप, विद अ न्यू एनर्जी एंड विद द न्यू शो, आई हैव अ न्यू गेस्ट फॉर यू ऑल माय डियर लिसनर्स। ऑन दिस नोट आई वेलकम पी नहरी सर, करेंटली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, द पर्सन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना, रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप 10 इंस्पायरिंग आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द ईयर बाय बेटर इंडिया इन 2017, एंड ऑथर एंड अ लिरिसिस्ट। सर, BSSS रिदम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। या थैंक यू दीक्षा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑनटू दिस प्लेटफॉर्म। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके बारे में जानने से पहले, आपके बारे में सुनने से पहले, मैंने आपका एक वीडियो देखा था इन विच यू सेड कि यू हैव नेवर सीन एन आईएएस ऑफिसर। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव नेवर सीन एन आईएएस ऑफिसर, आई नेवर मेट वन अंटिल आई बिकेम वन। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कब आपका ये सफर शुरू हुआ, कब आपने डिसाइड किया कि आपको कुछ इस तरीके का प्रोफेशन में आना है, और कैसे फिर आपने अपनी मंजिल को पाया, क्या कुछ आपकी प्रिपरेशन रही? जब मैं स्कूल में था उसी समय मुझे आइडिया हो रहा था कि मुझे कुछ बनना है, बिकॉज मैं स्कूल में हमेशा आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द स्कूल, सो हमेशा क्लास फर्स्ट आता था। तो जब मैं 10th क्लास, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के, आई बिलोंग टू तेलंगाना, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे मिस्टर बनवरलाल, तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था फॉर दी एल्डरली पीपल, जो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम था, यानी कि जो बुजुर्ग जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिनको IE बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए उनको पढ़ाना और पढ़ना लिखना सिखाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था अक्षर उज्ज्वला। सो उस प्रोग्राम जब वहां के कलेक्टर ने स्टार्ट किया था, तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल ने एक छोटा सा गांव को अडॉप्ट कर लिया था, और मुझे क्लास लीडर होने के नाते ये कहा गया था कि रोज उस गांव में जाना है और वहां के बुजुर्गों को, जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कभी नहीं की, उनको पढ़ाना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो मैं रोज ये शाम को क्लास होने के बाद मेरे क्लासमेट्स को लेके हम उस गांव में जाते थे और सब बुजुर्गों को इकट्ठा करके कम्युनिटी हॉल में बिठा के उनको पढ़ाते थे। और उस पढ़ाने के दौरान हमने, क्योंकि बुजुर्ग है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाना है, बड़े दिलचस्पी के साथ उनको पढ़ना लिखना सिखाना है, तो हम लोगों ने कई सारे माध्यम उपयोग किए थे, छोटे छोटे डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स, अलग अलग तरीकों से उनको इंप्रेस करने का प्रयास किए, और धीरे धीरे एक साल हमने उस पूरे गांव को लिटरेट कर दिया था। तो उस दौरान मुझे लगा कि कितना अच्छा प्रोग्राम है, एक कलेक्टर ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के बुजुर्गों को, ऐसे अनपढ़ जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ऐसे बुजुर्गों को बिठा के उनको पढ़ाने का एक सिस्टम जो तैयार किया,
ये बहुत अच्छा है, मैं भी जो है एक कभी मैं भी आईएएस अफसर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, और मैं भी इस तरह के कई सारे गतिविधियां करूंगा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो तब से फिर मैंने बड़े परिश्रम किया एंड देन आई रीच्ड हैदराबाद, आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर मैंने हैदराबाद के जो कोचिंग फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, उसका पूरा उपयोग किया एंड उसके माध्यम से बिल्कुल क्लियर था कि मुझे आईएएस में आना ही है। और उस डायरेक्शन में जब मैंने मेहनत की, आई वाज वेरी लकी कि आई गॉट इनटू द सिविल सर्विसेज वेरी अर्ली। अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और प्यारी जर्नी है सर आपकी। लाइक एक इंसिडेंट जो हुआ, आपने उससे काफी कुछ सीखा एंड देन यू मेड अ एम आउट ऑफ इट, सो दैट इज रियली कमेंडेबल एंड अमेजिंग। सर इसी के साथ अगर मैं जैसे बात करूं कि आज के जो यूथ है, अगर मैं मैक्सिमम यूथ की बात करूं, जो मेरा एनालिसिस रहा है अभी तक, उसमें ये था कि आधे से ज्यादा बच्चे किसी भी एक फील्ड की तरफ गुजरने तो लगते हैं, जाने लगते हैं, उसे अप्रोच करने लगते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ एक मोटो, कुछ एम नहीं बन पाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ का क्या मोटो रहा है, व्हाइल योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो या पर्सनल लाइफ में भी आप क्या मोटो फॉलो करते हैं? देखिए, बिकॉज आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव सीन बहुत हार्डशिप्स देखा है इन द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग ग्रोइंग अप स्टेज, फिर इंजीनियरिंग के समय, सो आई हैड टू रियली रियली स्ट्रगल टू कम टू दिस प्ले दिस पोजिशन। और कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड विदाउट एनी बैकअप फिनेंशियल सपोर्ट, जो मैंने प्रयास किया है, हार्डवर्क किया है, एंड देन आई व्हेन आई मेड इट टू द आईएएस, तो मेरा दिमाग में हमेशा यही रहा है कि हाउ टू इंश्योर कि मैं, हाउ कैन आई बेटर द लाइफ्स ऑफ पीपल, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज से और मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनको कैसे हम ईज आउट कर सकते हैं, हाउ टू मेक लाइफ मोर better using governmental systems and government based administration. So mera prayas hamesha yahi rehta hai ki design schemes, policies, programs of the government in such a way that the most needy are able to access these benefits. To wahi motto hamesha raha hai and that is what I am continuously amazing. doing. That is really amazing. एंड सर जैसे इसी के साथ, अगर आपने जैसे कहा कि आपका हमेशा से एक एम रहा है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, अलग अलग योजना निकालें या अलग अलग स्कीम्स निकालें, तो इसी के साथ जैसे आपने ही लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी थी, आपका आइडिया था, तो उस बारे में मैं जरूर कुछ जानना चाहूंगी, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आधे से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, ज्यादा से ज्यादा जो और भी अगर लोगों के लिए सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में पता नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे आपने कैसे इस स्कीम को स्टार्ट किया, इस योजना को स्टार्ट किया, और कैसे ये बात लोगों तक पहुंचे कि ये स्कीम आपके पास है, कैसे लोग उस चीज को जान पाए, कैसे लोग उस चीज को पहचान पाए? देखिये, 2001 सेंसस जो है वो पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए काफी आंखें खोलने वाला समय था। 2001 सेंसस में ये चीज सामने आई कि हमारे हमारे समाज में, सोसाइटी में जो गिरता हुआ लिंगानुपात है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है, वो किस हद तक गिर रहा है, और खास तौर पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि बिलो 5 इयर्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। तो ये जो सेंसस का जो डेटा है, ये डेफिनेटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चिंताजनक रहा है। तो मैं म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर था 2006 में, तो मेरा ट्रांसफर हुआ था एज ICDS प्रोजेक्ट डायरेक्टर महिला बाल विकास में। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान हम लोगों को बुला के चर्चा किए थे कि हमको कुछ ऐसा स्कीम तैयार करना है, कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार करना है जिससे कि ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो ओवरऑल गिर रहा है, इसको सुधारना है। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स गर्ल चिल्ड्रन। तो उस समय फिर मुझे ये काम सौंपा गया था, तो फिर मैंने
कई सारे स्टेट्स, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश का जो सबसे शिशु लिंगानुपात में जो सबसे खराब स्थिति थी वो ग्वालियर चंबल बेल्ट में रही। तो ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी मैं पूरा घूमा, वहां के ऑफिसर से मिला, सिविल सोसाइटीज के लोगों से मिला। फिर हम लोग पूरा एक साल का मेहनत किया जिसमें हमने सभी वर्गों के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, हमारा जो महिला बाल विकास के सिस्टम में जो ऑफिसर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, सबके साथ बैठा। फिर ये एक साल के मेहनत के बाद फिर हमने एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम को तैयार किया जो फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में उसको लागू किया। लाइक दिस आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। एंड आई थिंक जो मेरे लिसनर्स अभी सुन रहे हैं आपको और मुझे, कहीं ना कहीं उनको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड सर, जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि लोगों को स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता था, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द स्कीम्स, कैसे हम पहुंचे उन स्कीम्स तक? देखिए, अब पहले के समय में तो देयर यूज्ड टू बी ओनली प्रिंट मीडिया जिसके माध्यम से और रेडियो के माध्यम से वी यूज्ड टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से स्कीम्स किस किस के लिए बने हुए हैं। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और फिर अब जाके सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना आया है। तो अब गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज हैं, ये सब जो है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल मीडिया में अवेलेबल है। और खासतौर पर एज कमिश्नर पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रहते हुए पिछले 3 साल में मैंने सोशल मीडिया भी एस्टेब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट में। अब हर वर्ग के लिए, चाहे वो यूथ हैं, विमेन हैं, गर्ल चिल्ड्रन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, फार्मर्स हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी वर्गों के लिए अब बहुत आसान हो गया है कि किस तरह के बेनिफिट्स, किस तरह के स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज गवर्नमेंट ने तैयार किया है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे चले जाएं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने वेबसाइट्स बने हुए हैं या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे चले जाएं, आप जनसंपर्क मध्य प्रदेश या CMO मध्य प्रदेश के नाम से जो सोशल मीडिया हैंडल्स बने हैं उस पे चले जाएं, तो आप पूरा इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट वाइज, स्कीम वाइज मिल जाएगा। एंड आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है सभी लोगों को जो इस शो को सुन रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि कैसे स्कीम्स तक पहुँचना है और कैसे उनका थोड़ा सा लाभ उठाना है। और हमारे साथ मौजूद है अवार्डी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ईयर ऑफ द अवार्ड 2015 बाई UBM, अवार्डी ऑफ एक्सीलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी फाइल्स गवर्नमेंट अवार्ड 2018, मिस्टर पी नरहरी सर। तो सर, हमने जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अभी तक बात करी, आपकी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जिस तरीके से आप हैंडल करते हैं चीजें, वो मुझे पर्सनली कहीं ज्यादा इंस्पायर करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि व्हाट वुड बी अ नेक्स्ट बिग न्यू चेंज जो आप करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे, वो क्या होगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज टू बिलीव इन सेल्फ। सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो हमारा कंट्री जो है आज के तारीख में जिस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, और खास तौर पर हम कंपीट कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमी से, अगर हमको नंबर वन इकोनॉमी बनना है, हमारे ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि होना है, तो वी विल हैव टू रियली 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 all the hands should come together and ensure कि हम लोग हमारे इस growing economy में contribute करें। तो इसके लिए बहुत important है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो youth है, तो युवा वर्ग है, वो self confidence के साथ में अपने इस काम में लगे रहें और अपने dreams को achieve करें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है, किसी के भी जीवन में जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है वो है स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली पर्सनालिटी को ग्रूम करने का और खुद का कैरेक्टर बिल्डिंग को एंश्योर करने का। तो मैं चाहूंगा कि अगर एक सिंगल चीज
कुछ हो जिससे हमारे देश और दुनिया बदल जाएगा, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे और यूथ ये रियलाइज करे कि उनका जो पोटेंशियल है, यूथ का जो पोटेंशियल है, हम सब रियलाइज करें, और उस दिशा में हम हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर काम करेंगे, और ये भी काम होना है ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज डेज, आई एम वेरी श्योर कि हम नंबर वन कंट्री इस दुनिया में बनेंगे, और साथ ही हम दूसरे देशों को भी हम एक डायरेक्शन देंगे। अमेजिंग, एंड आई थिंक दैट दिस थॉट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थॉट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ कहीं भी अगर हम बात करते हैं तो यही चीज सामने आती है कि जो युवा है वो एक देश की आने वाली जनरेशन की नींव है। तो अगर नींव स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो कहीं ज्यादा लाभदायक होगा। सर इसी के साथ, जैसा अगर मैं आपके प्रोफाइल की बात करूँ तो मैंने बताया था हमारे लिसनर्स को दैट यू आर एन ऑथर एंड यू हैव रिटन 5 books। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि कैसे ये किताबों का सिलसिला भी शुरू हुआ, हाउ डिड यू स्टार्ट राइटिंग, एंड वन ऑफ द बुक्स दैट इज हु ओन्स माओ, इसके बारे में मैं जरूर कुछ जानना चाहूंगी। सी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत ही एक नॉलेज भरा और साथ ही सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। हम लोग जब सर्विस में आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं, तो हम असिस्टेंट कलेक्टर से स्टार्ट करके एडिशनल कलेक्टर्स, फिर कलेक्टर्स के रूप में, और उसके बाद प्रमोशन के साथ में कमिश्नर, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो जर्नी है लगभग 36 ईयर्स का जो जर्नी रहता है, इस दौरान हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का हमको मौका मिलता है। तो मुझे भी मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम करने का मौका मिला, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया वैसे ही मैंने कई जिलों में काम करते हुए, कई क्षेत्रों में काम करते हुए कई सारे इश्यूज पे काम किया जो सामाजिक रूप से बहुत ही उपयोगी रहे हैं। उसी दौरान जो है, जो काम करते रहे हैं उसको मैं डॉक्यूमेंट भी करता रहा हूँ, यानी कि जो काम किया है उसको कहीं ना कहीं लिखता रहा हूँ डायरीज में, या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करता गया हूँ नोट्स के रूप में या फिर एक स्कीम के रूप में। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं करता रहा उसको एक एक करके उनको एक पुस्तक के रूप में भी निकालता गया, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो वाइडर एक्सपीरियंस है, ये जो विविड एक्सपीरियंस है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हमको मिलता है। तो जो बुक्स लिखने का सिलसिला ये है कि जो हम एक IAS ऑफिसर्स के रूप में हमको जो मौका मिलता है, इसका आम जनता को और एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स और साथ ही सिविल सोसाइटीज को भी पता हो कि किस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑफिसर्स काम और क्या उसके फायदे होते हैं, उसका वाइडर इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर कैसा पड़ता है। तो जब मैं SDM महू था, उस दौरान वहां के सिविलियंस के तारतम्य में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, और लगभग 200 ईयर्स का माउ कैंटोनमेंट से उनको बेदखल किया जा रहा था। तो उससे काफी प्रभावित होके मैंने उनके राइट्स के लिए फाइट किया था एज द SDM ऑफ महू। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें, 200 ईयर्स का जो महू कैंटोनमेंट से संबंधित लैंड कैसे अस्तित्व में आया, कैसे वहां के सिविलियंस को बसाया गया, तो ये बहुत सारे चीजें मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, जिसको बाद में मैंने पुस्तक का स्वरूप दिया जिसका नाम है Who Owns Mahu। So I think, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग को इतनी सारी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड देन यू राइट इट, सो आई रियली पर्सनली बिलीव कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, हर शख्स को जो भी वो एक्सपीरियंस करना है, कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लिखना जरूर चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर्स। और इसी के साथ सर मैं ये पूछना जरूर चाहूंगी कि जैसे आपने बुक्स लिखी हैं एंड आप लिरिसिस्ट भी हैं, लेट मी टेल माय ऑल लिसनर्स कि आप लिरिसिस्ट हैं, आपने हो हल्ला नाम का जो हमारे स्वच्छ भारत के लिए अभियान के लिए जो गाना चलता है वो आपने लिखा है, एंड मध्य प्रदेश का स्वच्छ एंथम भी आप ही ने लिखा हुआ है। सो सर कैसे आप अपना ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके पास इतना ज्यादा काम का प्रेशर रहता होगा
स्केड्यूलिंग में काफी काफी आपको बिजी रहते होंगे, तो कैसे आप अपना वक्त निकालते हैं इन चीजों के लिए? क्या आपका वर्क लाइफ बैलेंस है? किसी के पैशन है बेसिकली। अगर अपने अपने किसी काम के प्रति पैशन रहता है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए एब्सोल्युटली समय मिल जाता है। एब्सोल्युटली एंड एज कलेक्टर इंदौर, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सिविक सोसाइटीज के साथ में मिलके जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स टू बी एम्युलेटेड बाई एनी सिटी इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। वो जो हो भी रहा है इंदौर में, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जब बैठ के एक प्रोग्राम तैयार किया था, एक प्लान बनाया था कि इंदौर शुड बी मेड द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हम लोग 25th, 26th क्लीनेस्ट सिटी से फर्स्ट सिटी बनेंगे और साथ ही न केवल बनेंगे बल्कि बरकरार रहते हुए नंबर वन सिटी लगातार बने रहेंगे। तो उस दिशा में जब हम काम किए थे तो उस समय ये आइडियाज आए हैं कि बहुत कैसे आम जनता को कैसे प्रभावित करना होगा, कैसे महसूस कराना है कि ये मेरा शहर है और मेरा शहर स्वच्छ होना चाहिए और मेरा शहर नंबर वन शहर बनना चाहिए। तो उस दौरान जब हम बैठ के बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे तो ये आइडिया आया कि क्यों ना एक गाना बनाया जाए जो हर इंदौर वासी के मतलब उनके मुंह में उनके लिप्स के ऊपर होना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, ऐसा गाना हमें बनाना होगा जिस जो प्रेरित भी करेगा और इस डायरेक्शन में सबको आगे भी ले जाएगा। उस दौरान जो है फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया और हमने मिलके ये गाना बनाया जो शान ने गाया एंड इट बिकेम द एंथम ऑफ इंदौर एंड सभी प्रयासों से तो इंदौर सिटी नंबर बना बना। तो मेरा ये कहना है कि वी शुड जस्ट हम सबको अपने अपने पैशन की ओर काम करना चाहिए। पैशन जहाँ पैशन रहता है वहां पे ऑटोमेटिकली आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, समय सब कुछ मिल जाता है। आई मीन दिस इज रियली कमेंडेबल एंड आई रियली थिंक कि जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैशन को पहचानेंगे, उसकी तरफ काम करेंगे। और इसी के साथ सर, पैशन के साथ अगर मैं बात करूँ तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आ जाता है। जैसे अगर हम किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, और नाउ अगर मैं बात करूँ इफ एन इंडिविजुअल हु इज अ यूथ इफ पैशन इज पैशनेट फॉर समथिंग बट ही नोज कि यार इस पैशन में अगर मैं जाना चाहूँ तो कहीं ना कहीं इनकम उससे जनरेशन आफ्टर 3 to 4, 5 years होगी, लेकिन अभी के लिए फॉर दैट 3 to 4, 5 years टू सस्टेन टू हैव सेटलमेंट ही हैज टू डू समथिंग एल्स। तो उस लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए और आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस कैसे रखते हैं? सी फॉर यंगस्टर्स आई नो कि अपने पैशन के ओर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ एवरीबडी रियलाइजेस कि जो जिस काम में जिस करियर में हैप्पीनेस मिलता है वही अल्टीमेट करियर होता है। तो इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में डेफिनेटली एक दुविधा रहती है, एक असमंजसता रहती है कि पैशन की ओर जाना चाहिए या फिर समाज जिस डायरेक्शन में पैसे कमाने के लिए या फिर जो अट्रैक्टिव चीजें हैं उसकी ओर जाना चाहिए। इस तरह के जो है क्रॉस रोड्स पे डेफिनेटली युवा खड़ा रहता है। तो ऐसे में मैं हमेशा ये मानता हूँ कि तात्कालिक तौर पर अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और फाइनेंसेस मतलब कुछ पैसे अर्जित करना है ताकि एक एक, एक लाइफ चलता रहे तो डेफिनेटली उसको करते रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम पैशन को जो है पैरेलली कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए। और जब एक ब्रेक इवन आ जाता है कि यू कैन सस्टेन, आप सस्टेन कर सकते हैं तो तब आप जो है अपने पैशन की ओर टोटली स्विच हो जाना चाहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत ज्यादा बड़ी सीख है सभी लोगों के लिए। या आई से दैट इज द ओनली वे एंड दैट्स द बेस्ट वे कि व्हेन देयर आर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटीज एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू फैमिली प्रेशर्स एंड ऑल, तो तात्कालिक तौर पर चीजों को करते हुए कैसे पैशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए और फिर
वन पॉइंट ऑफ टाइम फैशन की ओर टोटली स्विच ओवर करना है। चीज आपने बताई वो ना सिर्फ यूथ के लिए काम आने वाली है बट ऑल्सो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है जो हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है पैशन को लेकर अपने वर्क को लेकर। सो डेफिनेटली दिस इज रियली अमेजिंग। तो सर आपने इतनी सारी चीजों के बारे में हमें बताया एंड दैट वर ऑल अमेजिंग। और इसी के साथ अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगी जो हमारे लिसनर्स हमारी ऑडियंस की तरफ से हैं। तो शो के पहले मैंने उनसे ये चीज डिस्कस करी थी। सो दिस आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज एज व्हाट आर द बेस्ट वेज फॉर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू नॉट फेस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिज वर्क। सी द थिंग इज दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, a democratic system of governance. So in the democratic system of governance, the political representative, elected political representatives are the one who actually form part of the governance structure. So hum unko is system se alag nahi kar sakte. So the very beauty of our system is democracy. So जो ये पॉलिटिकल प्रेशर्स की बात हम करते हैं, दिस इज बेसिकली द सेम थिंग विच एमिनेट्स आउट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल लोगों के वजह से डेफिनेटली इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना भी हम लोग सीख लेते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ये ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी होता है, एट द सेम टाइम रिग्रेस ट्रेनिंग के माध्यम से और एक्सपीरियंस के माध्यम से वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल इश्यूज। तो मैं ये मानता हूँ कि ये नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिवली लेके अगर चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत रीजनेबल होते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जब हम उनको बताने का प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा जो भी ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है या बात कही गई है, अगर वो वाजिब नहीं है और करने लायक नहीं है तो वो मान जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी सोसाइटी से आते हैं, तो वो कई मायने कई बार जो है हमारी बात को मान लेते हैं और बहुत रीजनेबल रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करना ही हमारा ये काम रहता है। तो ऐसे में वी नेवर लुक एट इट एज इनिशियली जब सर्विस में आते हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली चीजें या तो खराब लगते हैं या फिर एडजस्टमेंट वाले इश्यूज रहते हैं, बट बाय एंड लार्ज जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। एट द सेम टाइम दे डू द वर्क जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, तो दे ऑल्सो अप्रिशिएट। तो मेरा यह मानना है कि गवर्नेंस सिस्टम में सभी का अपना अपना स्थान है। कई बार आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स की वजह से वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की परेशानियों को समझ नहीं पाते और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर नहीं पाते। तो क्या आपके हिसाब से फिक्स टेन्योर एक सोल्यूशन हो सकता है आईएएस ऑफिसर्स के लिए? डेफिनेटली एक मिनिमम ऑफ 2 years का टेन्योर होना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये डायरेक्शन सभी गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर के लिए मिनिमम 2 years का टेन्योर होना चाहिए। एंड 2 years टेन्योर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें कुछ रिजल्ट्स और कुछ हद तक अप्रिशिएबल वर्क, डेमोंस्ट्रेटिव वर्क किया जा सकता है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि समटाइम्स पीपल टॉक अबाउट अगेंस्ट करप्शन व्हाइल प्रिपेयरिंग बट वंस दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दे चेंज। इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस और प्रेशर्स बट अकॉर्डिंग टू यू हाउ टू बिकम एन ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर एंड व्हेन इट इज यू नो वेरी नेसेसरी to be in the system and aapko top post nahi milti according to the people ki agar aap honestly kaam karte to you are getting away from the top post ya you are threatened by the politicians. See, most important thing that everybody has to remember in their lives is whether in government service, private service, whether somebody is working in industry, service sector, anywhere, to be honest or dishonest is a personal choice. Nobody in the system, कोई भी सिस्टम में आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेगा
to be dishonest or corrupt, or to take a path which is incorrect. These are all personal choices hote hain. And one has to be very firm, one has to be very correct, and one has to have the guts to stay strong in the system, yeah, wherever you are, to follow the path that is chosen by you. So mera ye manna hai ki governmental system may be there is lot of respect for officers who are very honest and who are result oriented. So it is a personal choice, and we should always strive to make systems better, more transparent and more proactive in nature, so that in the larger interest of the society hum system ke liye. Absolutely true that. और सर इसी के साथ अब हम अपने शो के अंत पर आते हुए कुछ चंद सवाल और मैं आपसे पूछूंगी आखिरी में. सो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए. सो कैसी प्रिपरेशन आप सजेस्ट करना चाहेंगे, या अपनी तरफ से जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? So the UPSC civil service has become more and more general studies oriented ho gaya hai. It has become more about worldly knowledge and more about ability to understand the systems, what is happening around within your district, state and the country. To mera ye manna hai ki if you are able to concentrate on your general studies in a better way, and right from the beginning, if the preparation is such a way ki aap NCERT ke books jo hai 6th se leke 10th tak padhenge, aur saath hi uske saath general awareness aur general studies se sambandhit jo books hain uske hisab se taiyari karenge, aur jo state aur country and worldwide jo news hain uske news ke saath mein analysis part pe agar dhyan denge, to main ये मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज विल बी वेरी इजी टू क्रैक. कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? पहली चीज ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेरा ये मानना है कि टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, सो यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस टुवर्ड्स परफॉर्मेंस होना चाहिए, ताकि मैं ट्राई करूं, अटेम्प्ट करूं, प्रिपेयर करूं एंड कुछ अचीव करूं. अगर बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं है तो लोग जो है कुछ भी नहीं करेंगे एंड आलसी बनेंगे और अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे. बट एट द सेम टाइम टू मच ऑफ स्ट्रेस भी लेना अच्छा नहीं है. सो मैं ये मानता हूं कि जितना बेहतर प्रिपरेशन होता है उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है, जो बेहतर रिजल्ट्स देता है. तो जिनका प्रिपरेशन उपयुक्त नहीं है, जिनका प्रिपरेशन पर्याप्त नहीं है, वो ही बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, मेरा सभी से यही कहना है कि गो फॉर अ प्लान्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन, सो दैट यू कवर द एंटायर सिलेबस. You are well aware of the competitive exam that you are preparing for. You are well aware of the depth of knowledge that you need in order to crack the exam. So if you are able to put in good number of hours with smart preparation, I am very sure ki koi bhi exam tough nahi hota hai, and each and every exam you will pass. So stress jo hai, stress is basically nothing but under preparation or poor preparation for and that leads to poor performance. So when you are actually not able to prepare, not able to give enough time, or if you are not able to put in enough hours of time, that is when you will get stressed. So have a timetable, have a very good timetable, and then accordingly prepare for any exam. The new education policy, I would say, is a great step. I would say it is a giant leap that we are taking in these times. After a long, long
more than 3 decades, we are having a new education policy, which is very realistic in nature, which is more aspirational in nature. And I would say that this new education policy actually clearly specifies and gives students lots of opportunities to realize their dreams and go into their dream careers. तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से professional और skill development oriented teaching plus two के बाद प्रस्तावित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही timely है. सारी चीजें आपने हमसे शेयर करी वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और कहीं ना कहीं हम सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प आने वाली है इन आर फ्यूचर एंड आवर वर्किंग लाइफस्टाइल राइट नाउ आल्सो. और इसी के साथ हम आते हैं अपने शो की अंत की तरफ. सर बस आखिरी में आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप BSS प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म पर आए, BSS रिदम के इस प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपना वक्त दिया, इतनी सारी एक्सपीरियंस, इतनी सारी बातें हमसे शेयर करी. एंड ऑन द लास्ट नोट आई वाज जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गिव अ नोट टू ऑल द लिसनर्स एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच दीक्षा एंड फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मेनी अ नंबर ऑफ ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. आई एम वेरी श्योर दैट माय लिटिल एक्सपीरियंस एंड लाइफ्स struggles or battles will really help you in realizing your own dreams. And I'm very sure that you all will do good in your lives and will also show the way for the generations to come. All the best. Aur mere saath bane hue the Commissioner and Secretary of the Government of India, P. Narhari sir.